हॉरर मूवीज के फैन हो तो जानते होंगे 100 में से 99 फिल्मों में दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। सिर्फ आंखों से कहानी देखी जाती है और 2 घंटे बाद वो फिर से गायब, आप अपनी जिंदगी में वापस, दी एंड। लेकिन आज आपकी मुलाकात उस बची हुई एक फिल्म से कराऊंगी जिसमें आंखें तो बंद हो जाएंगी लेकिन दिमाग फिल्म खत्म होने के बाद भी रेस्ट मोड पे जाने का नाम नहीं लेगा। द वेलिंग नाम की एक कोरियन फिल्म है। डरो मत, कोरियन सीखने की जरूरत नहीं है। फिल्म इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में डब मिलेगी। बस अपने दिल को थोड़ा सा मजबूत रखना, इस फिल्म के लिए हिम्मत चाहिए मेरे दोस्त। कहानी एक छोटे से लेकिन अजीब से गांव से शुरू होती है। अजीब इसलिए क्योंकि यहाँ पिछले कुछ दिनों से दिल दहलाने वाले मर्डर्स हो रहे हैं और चौंकाने वाली बात, इन सारे मर्डर्स के कातिल ऑन द स्पॉट मौजूद रहते हैं लेकिन सिर्फ फिजिकली। मेंटली उनका होश गायब हो चुका है, जैसे मानो वो किसी और के वश में हो। इन मर्डर मिस्ट्रीज को सुलझाने की जिम्मेदारी एक काम चोर और एवरेज टाइप पुलिस भैया के कंधों पे आ जाती है। थोड़ा सा रिसर्च करने पे 2 रीजन बाहर निकलते हैं। इन सब मिस्ट्रीज के पीछे या तो एक बीमारी है जिसमें इंसान के शरीर पे अजीब से निशान पड़ जाते हैं और वो धीरे धीरे अपनी और दूसरों की सबकी जान का दुश्मन बन जाता है, या फिर दूसरा रीजन एक जैपनीज मैन से कनेक्टेड है जिसने कुछ दिनों पहले ही इस गाँव में एंट्री मारी है। एक्चुअली जब से इस बंदे को लोगों ने देखा है, गाँव में अजीबोगरीब इंसिडेंट्स की शुरुआत हो चुकी है। कुछ लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि जैपनीज बंदा इंसान नहीं भूत है जिसको मासूम इंसानों को मार के उनका खून पीने का शौक है, जबकि इसका खुद का शरीर एक धोखा है ह्यूमंस को ट्रिक करने के लिए। शुरुआत में तो अपने पुलिस भैया ये सब कुछ हल्के में लेते हैं लेकिन बाद में मैटर पर्सनल हो जाता है क्योंकि खुद इनकी बेटी के शरीर पे वही निशान नजर आने लगते हैं जिसकी आखिरी मंजिल सिर्फ मौत है। रुको, अभी कहानी बाकी है। एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो ना जाने कौन है, कहां से आई है, लेकिन हर वो जगह जहां पे मर्डर की खबर मिलती है ये सफेद कपड़ों वाली लड़की वहां पे मौजूद होती है। और एक लास्ट चौथा कैरेक्टर, इनके बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लो। ये बंदा एक मॉडर्न जमाने का तांत्रिक है। कहानी में इसको लेके आए हैं अपने पुलिस भैया बेटी के शरीर से शैतान को भगाने के लिए। बस अब सिर्फ एक तगड़ा सवाल है जिसका पता लगाने के लिए गुरु तुमको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। असली भूत आखिर है कौन? ये जैपनीज बंदा जिसके किस्से पूरे गांव में मशहूर हैं, जिसको लोग डेविल यानी शैतान का राजा मानते हैं, कुछ तो इसकी लाल आंखें देखने तक का जिक्र भी करते हैं, या फिर ये सफेद कपड़ों वाली बिना नाम की लड़की जिसका हर मर्डर से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। और हाँ, इसकी बॉडी पे मर्डर विक्टिम का कोई ना कोई सामान जरूर नजर आता है, कपड़े भी मर चुके लोगों के हैं। देखो भैया, इन शॉर्ट मेरी बात समझ लो, आज तक जितनी भी हॉरर फिल्में देखी हैं, द वेलिंग उन सब पे बहुत भारी पड़ेगी क्योंकि इसमें डर 2 तरीकों से चोट करता है। पहला तो वही गंदी शक्लें, रात का अंधेरा और खून खराबे का तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इस फिल्म ने। डिक्शनरी में जो शब्द है डिस्टर्बिंग नाम का, उसका पर्यायवाची है ये फिल्म। दूसरे तरीके का डर दिमाग में घुस जाएगा, मतलब 1-1 सेकंड में ऐसी डिटेल्स छुपी हुई हैं जिनको पकड़ लिए तो 2.5 घंटे बाद एंडिंग समझ आएगी, वरना पूरी फिल्म जीवन भर पहेली बन के छूट जाएगी। लाइफ के कुछ मोमेंट्स नहीं होते जब शरीर का एक एक ऑर्गन खुद के जिंदा होने का एहसास कराता है। ये पूरी फिल्म देखते वक्त वही वाली फीलिंग हजारों बार आपको महसूस होगी, टोटली अनकंफर्टेबल हो जाओगे। जिंदगी में कभी किसी पे शक किया है? नहीं तो फिर आज खाता खुल जाएगा क्योंकि ये चालाक फिल्म आपको सवाल उठाने पे मजबूर कर देगी। बेचारी इस भोली सी मासूम लड़की को एक चुड़ैल डायन भूत ना जाने क्या क्या बनवा दिया मेरे दिमाग में। और ये जैपनीज बंदा दादाजी की उम्र का है लेकिन फिल्म ने इस बेचारे को भी गंदी नजरों से देखना सिखा दिया। बहुत रेयर ऐसी फिल्में होती हैं जिनकी कहानी उनका असली भूत बन के बाहर निकलती है। इस फिल्म का हाल ठीक वैसा ही है। शुरुआत के 1 सेकंड से लास्ट के 2.5 घंटे तक ऐसा सस्पेंस खींच के मारा है जिसने पूरे दिमाग को जख्मी कर दिया। या जब स्क्रीन पे एक बंदा अपनी बेटी की सांसें बचाने के लिए तरस रहा हो और ये फूल की कली मासूम सी जान एक्चुअली में अपने खुद के पूरे परिवार के लोगों के खून से होली खेलने का सीक्रेट प्लान बना रही हो, तो अगले सीन में क्या होगा ये सोचकर ही इमेजिनेशन की वॉट लग जाती है। और भैया, फिल्म की एंडिंग एक बार में अगर समझ आ जाए ना तो खुद को आइंस्टाइन और न्यूटन का रिश्तेदार समझ लेना। इतने सारे एक के बाद एक ट्विस्ट है ना, साथ में ओपन एंडिंग, मतलब देखने वाला खुद डिसाइड करे कि कहानी का हीरो कौन है, विलन कौन। अब ज्यादा टाइम मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगी, आज इस फिल्म को जरूर से देखना है। डर क्या होता है आज के बाद तुम वो इस फिल्म के थ्रू लोगों को डिस्क्राइब करोगे, वादा है मेरा। देखो, हिंदी डबिंग में देखना चाहते हो तो फिर Amazon Prime पे चले जाना, वहाँ पे इंग्लिश डबिंग का ऑप्शन भी है, अंग्रेजों वाली फीलिंग आ जाएगी। लेकिन फ्री में देखनी है तो YouTube पे देख लो, बस छोटा सा ट्विस्ट है, फिल्म कोरियन में है, साथ में इंग्लिश सबटाइटल्स मिल जाएंगे, ऑप्शन 1 या 2 खुद डिसाइड कर लो। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको Instagram पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।